जिस काम को करने से डर लगता है वही करके दिखाना साहस कहलाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीना और स्वागत है आपका मोटिवेशन विद मीना में। दोस्तों, जिंदगी में कई बार छोटी छोटी घटनाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होती है और हमारी सकारात्मक सोच। तो आज एक ऐसी ही छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी, एक अनुभव लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और चलिए बिना किसी देरी के सुनते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की सख्त जरूरत है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक गुफा थी। उस गुफा में हर व्यक्ति जाने से डरते थे, लेकिन कई लोगों ने प्रयास किया उस गुफा में अंदर जाने का। करीबन 300 लोग उस गुफा के अंदर पहुंचे और वापस ही ना आए। अगला व्यक्ति फिर कोशिश करता कि मैं भी गुफा में जाऊंगा, तो जो व्यक्ति वापस नहीं आए थे उन्हें देखकर वो डर गए। तो कुछ व्यक्ति अपने नकारात्मक सोच बिठा के बैठ गए दिमाग में और गुफा में जाने से इनकार कर दिए और गए। 300 लोग करीबन उस गुफा के अंदर गए और वापस ही नहीं आए। लोगों के, गांव वाले लोगों के दिमाग, दिल में एक डर सा बैठ गया कि आखिर गुफा में ऐसा है क्या जिससे व्यक्ति अंदर जाता है और बाहर नहीं आता है। ऐसे में एक नव युवक गाँव में आता है और गाँव के लोगों से बात करता है, तो उसे पता चलता है कि एक गुफा जहाँ पर जो भी जाता है उस गुफा से बाहर ही नहीं आता है। नव युवक ने उस गांव के लोगों की इस बात को सुना और उसने हिम्मत की और उसने कहा कि मैं गुफा के अंदर जाऊंगा और लोगों को सच्चाई बताऊंगा कि आखिर इस गुफा के अंदर है क्या, मैं जरूर जाऊंगा। गांव के लोग, कई लोग उसको डराते भी हैं कि तुम मत जाओ, 300 लोग अंदर गए हैं लेकिन वापिस नहीं आए हैं। बहुत लोग उसको डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन नव युवक हिम्मत नहीं हारता है। वो अपनी हिम्मत, हौसले और सकारात्मक सोच के लिए गुफा के अंदर प्रवेश करता है। जैसे ही वो गुफा के अंदर जाता है तो उसे अंधेरा सा लगता है, थोड़ा डर उसके मन में रहता है, लेकिन वो रुकता नहीं, उसके कदम रुकते नहीं हैं। फिर थोड़ी दूर और आगे चलता है तो अंधेरे के कारण फिर उसके मन में थोड़ा सा डर पैदा होता है, लेकिन फिर भी उसके कदम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। कुछ देर चलने पर उसे ऐसा अनुभव होता है कि कोई उसे खींच रहा है। थोड़ी दूर और आगे चलता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसे धक्का मारा है। कुछ समय बाद वो बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वह देखकर चकित हो जाता है। कई लोग उसके आसपास खड़े होते हैं और बहुत सारी धन, हीरे जवाहरात, सोने के सिक्के उसे देखते, वो देखकर चकित हो जाता है और उन लोगों से पूछता है कि आप लोग कौन हैं। तो वो लोग, जो ये वही 300 लोग थे जो गुफा के अंदर गए थे लेकिन वापस बाहर नहीं आए, तो वो लोग उसे कहते हैं कि हम इस गुफा में ही रहते हैं और जो भी नया व्यक्ति इसमें आता है तो हम पहले उसे डराने की कोशिश करते हैं, यदि वह डर जाता है तो वो अंदर ही नहीं आता, लेकिन कोई हिम्मत कर जाता है, जैसे हमने तुम्हें भी डराने की कोशिश की लेकिन तुम हिम्मत से अंदर आ गए, तो हम उसे खींच लेते हैं और हमने तुम्हें अंदर ले लिया और जैसे हम खुशी का जिंदगी जी रहे हैं वैसे तुम भी हमारे साथ खुशी से जियो। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम जब भी जिंदगी में कुछ नया काम करने जाते हैं, कुछ आगे बढ़ने का सोचते हैं, तो कई लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, सलाहकार बनते हैं, कुछ नकारात्मक सोच भी देते हैं, कुछ सकारात्मक सोच देने वाले भी होते हैं, लेकिन नकारात्मक सोच देने वाले ज्यादा होते हैं। जिस तरह से गांव वाले लोगों ने उस नव युवक को डराया कि तुम अंदर जाओगे तो मर जाओगे, बाहर नहीं आ पाओगे, लेकिन वो अपनी सकारात्मक सोच के कारण जा पाया अंदर और उसने देखा वाकई में कि क्या है। तो उसी तरह से हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है, कई बार हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो कई लोग हमें डराते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अरे इस काम को तुम नहीं कर सकते। जो हमें ये कह दे कि इस काम को नहीं कर सकते, हमें उसी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के साहस के साथ, हिम्मत के साथ और सकारात्मक सोच के साथ कुछ करके दिखाना है। एक बार आप सोच कर तो देखिए, क्या हम
जो जिंदगी जी रहे हैं क्या वो बेहतर है? हम जिन कठिनाइयों में जी रहे हैं तो इससे बुरा और क्या हो सकता है? तो एक बार आप सोच कर देखिए कि यदि हमें किसी काम को करने का निर्णय लेना है तो आप अपनी सोच, अपनी सकारात्मक सोच रखें, नकारात्मक व्यक्तियों से दूर रहें और उसे कर दिखाएं। जब तक हम अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं लेंगे किसी भी काम को करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, हम सफल नहीं हो सकते। और मेरी जिंदगी का एक छोटा सा अनुभव, मैं वैसे तो बहुत अनुभव है पर मैं आपके सामने एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। जिंदगी में रिस्क लेना जरूरी है, जो रिस्क लेता है वही कामयाबी को हासिल करता है। ये शब्द मेरे नहीं, मेरे हस्बैंड के हैं, जो हमेशा मैं उनके मुंह से सुनती हूँ और वो मेरे लिए इंस्पिरेशन भी हैं। मैं कम बोलने का स्वभाव है लेकिन जब बोलते हैं तो बहुत सटीक बोलते हैं और बहुत सुलझी हुई बात करते हैं, और ये वर्ड हमेशा उनकी जुबान पर रहता है कि जिंदगी में रिस्क लेना बहुत जरूरी है। और इसी सकारात्मक सोच से वो कहाँ से कहाँ आए। मैं जिंदगी में जिसने रिस्क नहीं ली वो कुछ नहीं कर सकता। रिस्क लेने वाला व्यक्ति ही कामयाब होता है, 100%, 101% ये बात सच है दोस्तों। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी आपसे कि सकारात्मक सोच रखें, आगे बढ़ते जाएं और जिस काम को करने का निर्णय लेते हैं आप करिए। किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी का सुनने की जरूरत नहीं। सकारात्मक बात होती है तो करें, ना नकारात्मक सोच लोगों से दूर रहें। ती हूँ, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरा अनुभव, मेरी बातें पसंद आई होगी तो एक छोटा सा लाइक तो बनता है। और नए हैं और आने वाले वीडियोस ये में यदि आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और इजाज़त दीजिए, अब मुझे चलती हूँ मैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सकारात्मक सोचिए और रिस्क जरूर लें अपनी लाइफ में, तभी आप कामयाब होंगे।